लगेगी क्योंकि 15% डिस्काउंट मिल रहा है, आप उसको भी लेके आ सकते हैं। उसके लाने पे उसकी जितने टिकट्स बिकेंगी, होटल बुकिंग होंगी, टैक्सीज होंगी, जो भी कुछ होगा उसका 5% आप कमाएंगे। तो दूसरी तरफ से पैसिव इनकम आपको आना शुरू हो गई विदाउट इन्वेस्टमेंट। ये जीरो इन्वेस्टमेंट वाले काम है कि आपने सिर्फ मार्केटिंग करके अपने रेफरल कोड से इन पोर्टल्स के ऊपर लेके आना है, माल उनका बिकना है, चीजें उनकी बिकनी है, सारा कुछ उनका होना है, लेकिन उनकी सेल का 5% आप पार्टनर होंगे सेल के। इसी तरह हम बात करें गेम ओके, इसमें बहुत सारे आप लोगों के लिए फीचर ऐड होने लगे हैं कि आपके रेफरल कोड से कोई आता है, कोई खेलता है, उसमें आपको मिलेगा। सुपर इलेवन में आपके साथ इस तरह से है, ठीक है, आपके स्पॉन्सर से जो आते हैं आप लोग उसकी विनिंग के ऊपर उसको आपको परसेंटेज मिल रही है। इस तरह के हमारे हर प्रोजेक्ट में कंपनी ने आपको सोचा है, आपके लिए सोचा है। अच्छा, ये वो प्रोजेक्ट है जो कि आपने 1-2-4 महीने मेहनत करके या डेली बेसिस पे 1-2-4 लोगों को लेके आके लगा दिया, उनको उनके काम उन्होंने खुद करने हैं, उन्होंने प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी सब कुछ आपने 1-2 दफा गाइड करके या कंपनी के ट्रेनिंग सेशन में लाके वो उन्होंने खुद से करना है अपनी सेल के लिए, अपनी इनकम के लिए, अपने पैसे के लिए। लेकिन आपको क्या है कि आपको एक पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगी। इसमें आपको उनको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली जब उनकी सेल बूस्ट होगी तो वो खुद से करेंगे काम, वो खुद से आगे भी लेके आएंगे। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पैसिव इनकम जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ है। दुनिया में क्या चाहिए होता है लोगों को? लोगों को चाहिए होता है कि यार हम जितना पैसा इन्वेस्ट करें या कारोबार में करें, किसी बिजनेस में करें, किसी भी चीज में करें, हमें एक पैसिव इनकम आनी चाहिए। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री आपको क्या अपॉर्चुनिटी दे रही है? जीरो इन्वेस्टमेंट से लाइफ टाइम की पैसिव इनकम, क्योंकि ये वो इंडस्ट्रीज है जो कि लाइफ टाइम के लिए है। इसमें कंपनी का इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है कंपनी का इंटरेस्ट नहीं। कंपनी का इंटरेस्ट क्या है कि हम इस सोच के साथ चल रहे हैं कि जहां पे अली बाबा, अमेजोन जो बड़े बड़े ई कॉमर्स स्टोर्स हैं जो 20 साल में यहां तक पहुंचे हैं, हमें 3 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे। लेकिन इमेजिन करें आज अगर 6 ट्रिलियन की मार्केट है, $6 ट्रिलियन की मार्केट है, तो अली बाबा अमेजोन का दोनों का मिला के तो 3-3.5 ट्रिलियन तो इन्हीं का ही होगा वॉल्यूम। तो अगर हम यहां से ज्यादा ना करें, 10% भी इस इंडस्ट्री का उठा लें तो 60 बिलियन बनता है। 10% 60 बिलियन 600 बिलियन 600 मिलियन हाँ 60 बिलियन, ठीक है। इसी तरह टाइम टू ट्रेवल है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये भी ट्रिलियंस की इंडस्ट्री है। क्योंकि ट्रेवलिंग तो आप आसमान पे देखें, हर 20 सेकंड बाद आपको कोई ना कोई प्लेन उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा। पूरी दुनिया में ट्रेन चल रही है, पूरी दुनिया में टैक्सीज चल रही है, पूरी दुनिया में होटल्स बुकिंग होती है। तो ये भी ट्रिलियंस की मार्केट है। हमने क्या करना है, हमारे पास जो यूएसपी है 15% कैशबैक या 5% स्पॉन्सर, हमने मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचाना है। और ये मिलके हमने काम करना है। किस लिए करना है? क्योंकि हमने अपने बी लव के होल्डर, हम सब बी लव के होल्डर्स हैं, हमने अपने सब बी लव के होल्डर्स को एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हमने उसके ऊपर एग्जिट दिलवाना है, सक्सेसर करवाना है। आप अगर हम बात करें इसमें पैसा, दुनिया में पैसा पैसे को कमा खींचता है, तो अगर हम बात करें अपना लोकल बीएफआईसी की, तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि आपके पास फालतू पैसे पड़े हुए, फॉर एग्जांपल अकाउंट में पड़े हुए हैं 10 लाख रुपए पड़ा है, वो 10 लाख बैंक में पड़ा हुआ कभी नहीं बढ़ना, उसकी वैल्यू कम होनी है। लेकिन अगर आप उस 10 लाख को लोकल बीएफआईसी को अच्छी तरह समझ के कर लें तो डेली का 1% कमाते हैं आप, डेली का 1%। 100 डेज में आपका 10 लाख का 20 लाख होता है लोकल बीएफआईसी में, और ये पैसा आपका अपना है, जब चाहे अपना पैसा निकाल लें, ये पैसा आपका है।
और यहां पे कौन आएगा आपसे बाय करने, कौन आएगा? स्टोर्स, बी स्टोर के लोग, टाइम टू ट्रेवल के लोग, सुपर इलेवन के, गेम ओके के, जिसको जहां पे बी एफ आई सी चाहिए होगा उनके आएगा। जैसा कि आपको पता है कि एक्सचेंज ऑन भी अब हम लाइव करने जा रहे हैं दोबारा से, और विद ह्यूज बड़े लाइसेंस के साथ ऑथेंटिक उसमें आ रहे हैं हम। एक और न्यूज में आपको बताऊं, जैसा कि कल से एक न्यूज चल रही है कि जी इंडिया में बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस जो है वो बंद हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ना हो सकता है। एक्सचेंजेस को कोई नहीं बंद कर सकता, कुछ रेगुलेशंस आ रही है। रेगुलेशंस क्या है कि आप अपनी एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल binance.us है, उसी तरह binance.in हो जाएगी, उसी तरह mexglobal.in हो जाएगी, kucoin.in हो जाएगी। तो ये इस तरह से होगा, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है इसमें, इजी रहे। क्रिप्टो बैन नहीं होने जा रही, एक्सचेंजेस को रेगुलेशंस में लाया जा रहा है। तो ये सारा कुछ ऐसे चलता रहना है। पैसिव इनकम की तरफ आए, मेहनत को करें। हम लोग मेहनत छोड़ चुके हैं, मेहनत को कभी ना छोड़ें, कॉन्टिन्यूसली चलते रहें। आज जिस जिसने जो जो बात इनोवेशन फैक्ट्री की है मेरी मानी, आज आप देखें उनके खानदान में उनके जोड़ का कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा अपने खानदान में सबसे लो था, यानी कि पुअर फैमिली से था, लो था फाइनेंशियली, सबसे यानी कि डाउन था। आज वो अपने फैमिली, अपने खानदान का सबसे अमीर तरीन आदमी है 3 साल में। क्यों? क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री या हमने उसको जिस तरह से गाइड किया, उसने फॉलो किया। तो आज मैं आपको कह रहा हूं, हर प्रोजेक्ट में अपनी उतनी जान मारे जितनी आप बाकी प्रोजेक्ट में मार रहे हैं। कोई नहीं पता, यहाँ पे जैकपॉट्स हैं। आपके 100 शॉपकीपर आप अपने साथ लेके आए, 100 मर्चेंट्स लेके आए, उनमें से कोई 1-2 मर्चेंट ऐसे आ गए। फॉर एग्जांपल मोबाइल की बहुत हॉट मार्केट है, बाइक्स दुनिया में बेहिसाब बिकती हैं, गाड़ियां दुनिया में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है ये, गाड़ियां लाख लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख, करोड़ करोड़ की गाड़ियां होती हैं, ठीक है। इस तरह की आप लोगों के ऊपर फोकस करें, महीने में 10-15 गाड़ियां बिक गई 50-50 लाख की, तो आपकी जेब में तो सीधा सीधा आ गया ना। काउंट करें, 10 करोड़ की गाड़ियां बिक गई, आपकी जेब में सूखा सूखा कितना आ गया? 5 करोड़, सॉरी 50 लाख, ठीक है। आप बड़े ट्रेवल एजेंट्स ले आए, उनकी आपको पता है करोड़ों में सेल होती है छोटे छोटे ट्रेवल एजेंट्स की। फॉर एग्जाम्पल उनकी सेल हो गई, फॉर एग्जाम्पल 20 करोड़ की, तो सीधा सीधा करोड़ आपको यहां से आ गया महीने का। इसी तरह से इनके ऊपर भी वही फोकस करें, जैकपॉट लगने इसमें। जैकपॉट आपने सुना होगा, गूगल पे सर्च करें ई कॉमर्स के हवाले से जिन लोगों की लाइफ चेंज हुई है, तो वो कोई आसमान से नहीं उतरे थे, सिर्फ इंडस्ट्री को समझा, कूदा, और जिस तरह से मार्केटिंग से एफिलिएट वर्क, अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग नहीं देता, सब देते हैं, लेकिन बहुत कम इनकम होती है उनकी एफिलिएट की। यहाँ पे जो इनकम है इतनी बड़ी कोई इनकम नहीं देता। तो यहाँ पे आपकी रेफरल से आए हुए बड़े बड़े कुछ 2-4-10 अगर आ गए, ब्रांड आ गए, तो वो सुने ही होगा आपने, करेगी दुनिया कमाएंगे हम, वो वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है। बड़े ट्रेवल एजेंट्स आ गए, लाइफ टाइम की अर्निंग है, क्योंकि लाइफ टाइम ये ट्रेवल एंड टूर्स तो चल रही है। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सचेंज के ऊपर। तो एक्सचेंज के ऊपर भी आपको याद होगा कि कंपनी ने बहुत सारे आप लोगों के साथ अपने आइडियाज डिस्कस किए थे। अच्छी बात है कि वो किसी ने फॉलो नहीं किए, कॉपी नहीं की, ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज बनाना इटसेल्फ अपने आप में काम